और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आईआरएस अधिकारी पर कार्रवाई का पंजा। जी हां, एक पुराने केस में सीवीसी ने इंक्वायरी कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी के लिए काले कारनामों के ये बड़ा खुलासा हो सकता है, जो अधिकारी ने काले कारनामे कर रखे हैं उनका बड़ा खुलासा हो सकता है। 328 करोड़ के फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने लेटर जारी किया और मामले में सेंट्रल ऑफिस से पिछले महीने लेटर जारी हो चुका है। यह आईआरएस अधिकारी सीपी गोयल, जिन पर अब गाज गिर सकती है, कमिश्नर रह चुके हैं। सीजीएसटी प्रिंसिपल कमिश्नर सीपी गोयल के खिलाफ यह इंक्वायरी लेटर जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं, सहयोगी गौरव गौड़ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, आईआरएस अधिकारी पर यह कार्रवाई का पंजा चला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से। जी देखिए, ये इंक्वायरी ओपन कर दी गई है इस मामले में, और ये पहले कमिश्नर रह चुके हैं आईआरएस जो सीपी गोयल है, उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इनके द्वारा जो भी प्रोसेसिंग, जो भी इस तरह की प्रोसीडिंग की जाती है वो पुख्ता जानकारी होने के बाद ही की जाती है। चूंकि ये एक बहुत बड़े पद पर है और इन्होंने रहते हुए बहुत बड़े जो विभाग है वो इनके अंडर थे, इनके कंट्रोल में थे, तो कहना ये भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो हो, क्योंकि 328 मैसेज लीला जो है ये लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भिवाड़ी में ये स्थित है, और जो सीपी गोयल जी हैं ये दिल्ली, अभी हाल फिलहाल दिल्ली है, इससे पहले वह राजस्थान में ही थे, और जयपुर से पहले वह जयपुर में भी ये कमिश्नर रह चुके हैं, उससे पहले ही अलवर में कमिश्नर थे, उस दौरान का यह मामला बताया जा रहा है। और 328 करोड़ रुपए के इस मामले में जो है सीपी गोयल ने, जो आईआरएस अधिकारी है जिस समय कमिश्नर की पोस्ट पर थे, इन्होंने जो है बोला, बताया जा रहा है कि कंपनी की मदद की थी इस मामले में से बाहर निकलने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।